पोटेशियम एक प्रकार का मिनरल है जो कई सारे आहारों में पाया जाता है। ये मिनरल खास तौर से साबुत अनाज, फल, दूध, बीन्स, सब्जी और मटर में अधिक पाया जाता है। अगर आप पोटेशियम सही मात्रा में लेते हैं तो ये आपके बढ़ते रक्तचाप को कंट्रोल करता है, ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, साथ ही ये आपके हार्ट को ठीक रखता है। आज का हमारा विषय है कि किडनी के मरीज खाने में पोटेशियम को कैसे कंट्रोल करें। तो आपको बता दें कि किडनी के मरीजों को उन आहारों से दूरी बना लेनी चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में पोटेशियम हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां हम आज आपको बताएंगे लो पोटेशियम रिच फूड के बारे में और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या किडनी के मरीज इन्हें खा सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं लो पोटेशियम आहार के बारे में। किडनी के मरीजों को अपने आहार में हमेशा उन चीजों को शामिल करना चाहिए जिसमें सभी मिनरल्स सीमित मात्रा में हो, क्योंकि अधिक मिनरल्स भी डैमेज किडनी के काम को बढ़ा देते हैं। लो पोटेशियम फूड में आप सेब को अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि सेब में कम पोटेशियम होता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। दूसरा है नाशपाती, जो कम पोटेशियम युक्त होता है, साथ ही इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। अनानास में भी पोटेशियम की मात्रा कम होती है, लेकिन इसका सेवन किडनी के मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं कर सकते, क्योंकि अनानास सिट्रिक एसिड फ्रूट में आता है जिसका सेवन सभी किडनी के मरीजों को अलाउड नहीं होता। इसके साथ ही कम पोटेशियम फ्रूट में बेरीज भी खाई जा सकती हैं और लाल अंगूर का सेवन भी किया जा सकता है। किडनी के मरीज इन सभी फलों को अपने आहार में शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। चलिए अब जानते हैं कुछ सब्जियों के बारे में। वैसे तो लो पोटेशियम सब्जियों में कई सारी सब्जियां आती हैं, लेकिन किडनी के मरीज सभी का सेवन नहीं कर सकते। किडनी के मरीज कम पोटेशियम के आहार में शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और खीरा खा सकते हैं। खीरे का सेवन किडनी के मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। इन सभी के साथ किडनी के मरीज एग व्हाइट ले सकते हैं, इसमें भी कम मात्रा में पोटेशियम होता है। जिन मरीजों को नॉनवेज खाना अलाउड हो वो फिश खा सकते हैं। किडनी के मरीज अपने आहार में सीमित मात्रा में पनीर भी ले सकते हैं। तो ये है कुछ आहार जिसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है, लेकिन हमने आपको हमेशा कहा है कि किडनी के मरीजों को किसी भी आहार को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर आएंगे एक नए विषय के साथ। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी के किसी भी रोग से परेशान है तो आप हमें अपनी समस्या नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में लिखकर भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे 24 घंटे के अंदर खुद संपर्क करेगी। हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल पर आने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।